हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए, आज का इस वीडियो में हम किसी वस्तु का डिस्काउंट निकालने आपको सिखाएंगे। दोस्तों आज अभी आप लोग जानते हैं कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, बिजली का कोई सामान लीजिए, कपड़े दुकान में कपड़ा लीजिए, जूता लीजिए, चप्पल लीजिए, कुछ भी खरीदिए आप, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री में भी, आपको मेडिकल विलेज चले जाइए, सब जगह आपको डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर किसी को डिस्काउंट निकालना आना चाहिए। और आसानी से डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे, आज का इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर पसंद आ जाएगा तब लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य आपको यहाँ दिख रहा है 999 रुपया, उसका मूल्य लागत मूल्य है, और उसमें आपको छूट 30% को वो दिखा रहा है, तो आपको कितना देना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो दोस्तों करना क्या है कि देखिए, जब भी होता है ये जो है आपका 100% जो है, ये 100% में आपको छूट, कितना वस्तु का मूल्य अभी 100% लिखा हुआ है, आपको इसमें कह रहा है कि 30% का आपको छूट मिल रहा है, यानी आपको 70% ही दाम देना है। ये 100% जो दाम है इसका 70% दाम देना, यानी घटाने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका आंसर में आप वस्तु का वास्तविक मूल्य जो है, वस्तु का खरीद मूल्य, यानी जो हम वस्तु छूट देने के बाद जो खरीदेंगे वो कितना हो जाएगा, दोस्तों आपको रुपए यहाँ पर लिख दीजिए। और ये 999 है, 999 को यहाँ पर आप लिख दीजिए, और इसका आपको कितना निकाल देना है, 70% निकाल देना है। इसको आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये रुपए हो गया, ये 999 हो गया, और ये 70 बटा आपका कितना हो गया, प्रतिशत में बट्टे, मतलब 100 होता है, बट्टे में 100 होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। दोस्तों ये जीरो कट गया। अभी यहाँ पर देखिए हमारा ये, आप ये इसको आप गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपका क्या आएगा, गुना कीजिए, 7 नाम कितना हो गया, 63 हो गया, हासिल रह गया 6, फिर 7 नाम 63 हो गया, 63 और 6 कितना हो गया 70, फिर रह गया हमको 6, तो 7 नाम 63 हो गया, 63 और 6 कितना हो गया 69, तो इतना हो गया, यानी और बट्टा में आपका कितना रह गया 10, इतना रुपया हो गया। तो दोस्तों आपका वस्तु का जो खरीद दाम हो जाएगा वो 699 और इतना हो गया, यानी आपको रुपए में कितना हो गया, रुपया में आपका 699 हो गया, एंड पैसा में जो है 30 क्या हो गया, पैसे हो गया। तो दोस्तों जिस वस्तु का अंकित मूल्य आपका 999 रुपए है, उसका 30% पर छूट हम में खरीद रहे हैं, तो हमको 699 रुपया 30 पैसा देना है। यहाँ पर एंड है, ये है आपका एंड, कितना देना है 699.3 पैसे, यानी कि 699 रुपया 30 पैसा आपको उस वस्तु को पेड करना है। दो है आपका 599 और छूट है आपका 15%। तो यानी वस्तु का मूल्य मतलब 100% आपका दिया गया है, ये 100% ये दाम है, इसमें आपको 15% का छूट मिलेगा। दोस्तों घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा, यानी इस वस्तु का 85% ही हमको देना है। यानी आपको क्या करना है, 15% निकाल के घटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो निकालिएगा इसका आंसर, अभी हमने जैसे किया, वस्तु का खरीद मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीद दाम जो होगा वो क्या करना है आपको, ये जो रुपए है, रुपए रहने दीजिएगा, 599 है, और इसका कितना निकाल देना है दोस्तों, 85%। तो अभी हमने आपको बतलाया क्या कि 599 है, 85 और प्रतिशत है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब आपको यहाँ 599 को 85 से गुना कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप इसको 85 से गुना कीजिएगा, तो 8 5 4, यहाँ पर देखिए ये 85 हो गया ना, हाँ, तो 5 नाम कितना हो जाएगा 45, हासिल रह गया 4, 5 नाम 45 और 4 49, हासिल रह गया 4, 5 25 और 4 29 हो गया, 8 नाम 72 हो गया, हासिल रह गया 7, 8 नाम 72, 79 हासिल रह गया 7, और 8 5 40 और 7 47 हो गया दोस्तों, ये 5 9 2 11 हो गया, हासिल रह गया 1, 9 9 18 1 19, हासिल रह गया 1, 7 2 9 और 1 10, हासिल रह गया 1, यानी इतना हो जाएगा।
तो दोस्तों ये आप मल्टीप्लाई किए तो आपका कितना हो जाएगा, 50915 बट्टा में आपका हो गया 100, तो ये आपका हो जाएगा दो अंक के बाद दशमलव, ये रुपए के रूप में जो आ गया ये 509.15। तो दोस्तों यानी आपको कितना हो जाएगा, रुपए के रूप में आ गया 509 रुपया हो गया और एंड 15 पैसे। तो दोस्तों इस वस्तु का मूल्य जिसका आपका 599 रुपया दाम है, उसका 15% के छूट में आपका 509 रुपया 15 पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दवा हो या कपड़े हो या जो भी वस्तु आप खरीदते हैं, उन वस्तुओं का मूल्य डिस्काउंट निकाल करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और उसको भुगतान करके आप सामान को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।